नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड लेवलिंग के बारे में। तो दोस्तों लैंड लेवलिंग का आपने एस्टिमेट कैसे बनाना है, उसके आपको कौन कौन से पर्टिकुलर आइटम्स ऐड करनी है उसका हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसका नक्शा और जो उसका मैप है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटोकैड पे जाके। दोस्तों हमने यहाँ पे लैंड लेवलिंग के लिए जो मैप प्रिपेयर किया है वो हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास है प्लान, कटिंग और फिलिंग। यहाँ पे हमने सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन लिया हुआ और इसकी जो विड्थ है यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 मीटर यहाँ पे मैंने विड्थ ली हुई है। और उसके साथ ही जो इसकी इस पोर्शन में जो विड्थ है वो हमारे पास ये है। ये दोस्तों ये कटिंग की है। ठीक है, उसके साथ ही हमने यहाँ पे फिलिंग करनी है। ये मटेरियल को जो यहाँ पे जो मड होगी तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कटिंग करनी है और यहाँ फिलिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन का जो एरो है वो छोटा दिख रहा है, तो उसको आपको अगर बड़ा करना तो आप सिंपल यहाँ से करेंगे डी टाइप, उसके बाद करेंगे आप एंटर। दोस्तों एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुलेगा ओपन, तो उसमें आपने जाना मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंबल एंड एरोस पे जाने के बाद यहाँ पे जो एरो साइज है इसको आपने यहाँ से कर देना है बड़ा। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 3 फीट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से ओके और फिर सेट एज करंट देन क्लोज। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एरो साइज है वो बढ़ गया। दोस्तों मैं जैसे कि आपको बता रहा था यहाँ से आपको करनी है कटिंग, तो जो आप कटिंग का पोर्शन जो डालेंगे वो डालेंगे यहाँ पे फिलिंग में। तो यहाँ पे दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप जानते हैं कि जब भी आपने लैंड लेवलिंग करनी होती है या फिर लैंड डेवलपमेंट जो भी करनी होती है उसके लिए आपको यहाँ पे आरडीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आरडीज बनाने के लिए यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैंने जो अपनी आरडी है जो क्योंकि मेरा ये जो टोटल लेंथ है दोस्तों ये है हमारा 40 मीटर, तो इसको मैंने 40 तक आरडी बनाई है। इसके लिए मैंने 4 आइडिया प्रिपेयर की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 5वीं आइडी ये होती है कि 00 जो ओरिजिन होता है हमें उसे हमें हमेशा 00 लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 30 मीटर जो ये लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये मैंने करनी है कटिंग। ठीक है दोस्तों, कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे करनी है फिलिंग। तो जो ये डायग्राम है जो ये पोर्शन शो कर रहा है ये कर रहा है फिलिंग के लिए शो और ये कर रहा है कटिंग के लिए शो। ठीक है दोस्तों, उसके साथ सेम एटीसीस जो आरडी है 0 और 10 के बीच में वो वहाँ पे जो मैंने कटिंग की है वो की 28.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी हाइट है जितनी हाइट मैंने कट करके डालना है जो पोर्शन कट करके डालना है वो डालना है यहाँ पे 0.8 मीटर, यानी कि ये 2.5 फीट के इक्वल हो सकता है, 2.5 फीट हो गया या फिर 3 फीट के इक्वल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सेल पे एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, ये है जो मैं एक्सेल पे यहाँ पे एस्टिमेट बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जो पोर्शन लेने वाले हैं दोस्तों ये है एक्सेल। एक्सेल पे यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेम ऑफ वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंड लेवलिंग और एस्टिमेट अमाउंट जो भी आपका बनेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ में जो कुछ वर्क कोड है मैंने यहाँ पे वर्क कोड लिखे हुए हैं। आपको मोस्टली इन वर्क कोड से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, इनसे आपको कोई ना काम नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है सीरियल नंबर जो आपके सीरियल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम पे आपको ध्यान देना है। पर्टिकुलर आइटम में दोस्तों आपको क्या लिखना है, कटिंग ऑफ जंगल, उसके बाद में नंबर्स और उसके बाद लेंथ विड्थ हाइट और जो क्वांटिटी आपकी आएगी क्वांटिटी यूनिट और लेबर रेट, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो कटिंग ऑफ जंगल और इसको आप बुश कटिंग भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ओवरऑल लेंथ होगी और उसके साथ में विड्थ जो होगी आपको वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए जो कटिंग के लिए मेरे पास जो लेंथ है वो है यहाँ पे 30 मीटर वन साइड से और जो फिलिंग के लिए यहाँ पे जो है वो 20 मीटर है। लेकिन दोस्तों जो कटिंग के लिए पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे कटिंग करनी है तो एस्टीमेट में हम कटिंग का ही एस्टीमेट बनाएंगे, फिलिंग के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कटिंग करने का अपने पास डायमेंशंस हैं वो 30 मीटर बाय 40 मीटर है। ठीक है, जो आरडी हमने लिए दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर के लिए है, आप देख पा रहे हैं, तो वो हमने लेना है 30 बाय 40 मीटर। तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ ली हुई है, ठीक है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है, नंबर्स में दोस्तों हमारे पास 1 आएगा क्योंकि ये एक ही एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल एरियाज यूज नहीं किए, तो नंबर में हमारे पास 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आरडी में लिए 0 से लेके 40
उसके बाद जो लेंथ में आएगा वो डालेंगे हम 40, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 40 है। उसके बाद जो विड्थ है हमारी कटिंग की वो हमारे पास यहाँ पे है 30 मीटर। तो इसकी जब क्वांटिटी हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1200 स्क्वायर मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो हमारे पास सेकेंड पर्टिकुलर आइटम आएगी वो आएगी कटिंग इन अर्थवर्क एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सवेटेड अर्थ अप टू लेड ऑफ 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमें जो कटिंग करने के बाद में जो हमारे पास एक्सवेटेड अर्थ होगी उसको हम 20 मीटर तक फेंक सकते हैं या उसको फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस ठीक है दोस्तों, तो कटिंग इन अर्थवर्क एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सवेटेड अर्थ अप टू लीड ऑफ 20 मीटर। तो दोस्तों इसका जो पर्टिकुलर आइटम हमने लिया इसका क्या मतलब है कि जो आप भी कट करेंगे, जो भी अर्थवर्क आप कट करके डालेंगे या फिर जो भी आप एक्सेलरेटेड करेंगे अर्थवर्क को, तो आप उसको 20 मीटर तक भेज सकते हैं, फेंक सकते हैं या फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मैंने आईडिया बनाई है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे 4 आईडी बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेंटर में कर देता हूँ और जो आरडी हमने बनाई हुई है दोस्तों, यहाँ पे 0 से लेके 10, 10, 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 मीटर की आरडी हमने यहाँ पे ली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नंबर्स में हमने हाफ क्यों लिया है। हाफ लेने का रीजन हमारे पास ये है दोस्तों, क्योंकि जो मैप में हमने यूज की है यहाँ पे क्वान्टिटी हमने यूज की है 0 0, मीन्स हमने पूरा एक पोर्शन ही लिया, क्योंकि ये हाफ ऑफ द ग्राउंड का ये हमारा कटिंग का है और हाफ हमारे यहाँ पे फिलिंग का है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने सिर्फ यहाँ पे कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने इसका हाफ लिया है नंबर। अगर हम यहाँ फिलिंग भी यूज़ कर रहे होते कि हमने जो पोर्शन कट करने के बाद फिलिंग में डालना है, हमने इसका भी अगर लेबर रेट लगाना है या फिर इसका भी एस्टिमेट बनाना होता तो हम यहाँ पे 1 यूज़ करते, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कटिंग का पोर्शन ही यूज़ करना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो नंबर्स में है वो हम यहाँ पे लेंगे हाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारी जगह पे यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 ही लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना, आपने आरडी जो सिलेक्ट की है वो लिया आपने 10 मीटर की, मतलब आप ईच 10 मीटर के बाद में आपकी जो भी डायमेंशन चेंज होंगी वो आप मेजरमेंट करेंगे, लेंथ विड्थ हाइट में जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं कि आपने 10 मीटर के बाद किया है। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ में क्या आएगा आपका आएगा 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विड्थ में आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे निकालनी है ओवरऑल, यानी कि एवरेज जो भी आपकी विड्थ होगी दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास आर डी है 0 0 ओरिजिन का, वो जो 30 मीटर यहाँ पे मैंने कटिंग की है पोर्शन की, ये हमारे पास पहला है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे पास दूसरा है यहाँ पे आप देख रहे हैं आर डी 0 to 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो आर डी हमने सेकंड लिया है उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 28.5 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना, जब आपको ओवरऑल या फिर एवरेज विड्थ निकालनी होगी तो आपने सिंपली उन दोनों को प्लस करने के बाद में 2 से डिवाइड कर देना है, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके पास जो एवरेज वैल्यू होगी या जो एवरेज विड्थ होगी वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ हमने सेम हाइट के लिए भी सेम फार्मूला यूज करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जो हमारे पास फर्स्ट है उसका जो हमारी हाइट है वो है 0.9 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड जो आर डी हमारी 0 से लेकर 10 मीटर के बीच में, उसकी जो हाइट है वो है 0.8 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको ओवरऑल या एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को प्लस करना है और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जब भी आप दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट आर डी है ओरिजिन 0 0, वहाँ पे जो हमारी विड्थ है सॉरी जो हाइट है वो है 0.9 मीटर, और जो सेकेंड हमारे पास 0 to 10 आर डी है वो है हमारे पास यहाँ पे 0.8 मीटर। तो जब आप दोस्तों इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज हाइट होगी, वो यहाँ पे 0.85 मीटर आ जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंपल इसकी क्वांटिटी निकाल सकते, जो कि हमारे पास आई है 124.3125 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है वो क्यूबिक मीटर में आई है। तो आपको सेम आर डी 0 10 to 20 के लिए भी दोस्तों सेम फार्मूला लगाना है। आपको जो लेंथ लेनी है वो भी आपकी 10 मीटर ही आएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे आर डी में आप गैप देख पा रहे हैं, जो आपका गैप है वो 10 मीटर का है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दोस्तों, अगर हम विड्थ के बारे में कहें,
तो जो हमारे पास विड्थ हम लेंगे वो लेंगे यहाँ पे जो हमारे पास 28.5 मीटर, उसके साथ हम प्लस करेंगे 27.15 मीटर और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू आएगी आप यहाँ देख पा रहे हैं, 28.5 प्लस 27.15 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी 27.825 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो सेम फार्मूला आपने यहाँ पे हाइट के लिए भी अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.8 मीटर, उसके बाद हमने इसको प्लस किया है 0.75 मीटर से, उसको 2 से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो जो हमारे पास ओरिजिन है 0 से 20 का, तो दोस्तों वो है हमारे पास यहाँ पे 0.85 मीटर से लेके 0.75 मीटर का। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको दोनों को प्लस किया, उसके बाद में इसको 2 से डिवाइड किया। जैसे ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ठीक है 0.8 और उसके बाद में हमने प्लस किया है 0.75 और 2 से डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज हाइट आएगी वो आएगी हमारे पास 0.75। ठीक है दोस्तों, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको सभी में ऐसे ही इंप्लीमेंट करनी है और इंप्लीमेंट करने के बाद में आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो लेबर रेट होगा उस एरिया का। जैसे कि अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का कुछ स्पेसिफिक लेबर रेट होगा, आपको उसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी आरडी की जो आप कटिंग में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप उस वर्क का अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले बोर्ड भी लगा सकते हैं अगर आपको लगवाना है तो। उसका मोस्टली 3,000 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट सिलेक्टेड होता है। आप चाहें तो आप मैन्युअली बना चाहते हो, आप जितना बनता है आप उतना कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो टोटल प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी हमारी 95,000 के अराउंड। तो आप सिंपली आपको जैसे ही जितना भी आपको लगता है इफेक्टिव, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जो ये मैप बनाया हुआ, जो नक्शा बनाया हुआ दोस्तों, इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह देख के आप इजीली यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है दोस्तों, ये सिर्फ यूज होता है फील्ड के लिए, जो कि लेवल फील्ड है। सिंपली आपने कोई अगर खेत है हिंदी में कहें तो, और वो लेवल है वो कोई पहाड़ नहीं है। अगर आपको पहाड़ कट करना है तो दोस्तों पहाड़ कटिंग के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। आप जो यहाँ पे जो नक्शा मैंने बनाया है, इसको नक्शे में रेक्टेंगल की जगह आपको ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ट्राइंगल कटिंग शो करनी पड़ेगी और फिलिंग भी ट्राइंगल ही शो करनी पड़ेगी। आपको सिंपल ये नक्शा आपकी जगह के हिसाब से बनाना है, जहाँ पे आप लैंड लेवलिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका किस तरह का ओवरव्यूज है और वहाँ पे आपको कैसी प्रेजेंटेशन हो रही है, आपको उस हिसाब से ही नक्शा बनाना है। ये मेरा दोस्तों जो बनाया बनाया है, ये एक खेत का है, मुझे ऊपर एक खेत से दूसरे खेत पे यहाँ पे इसको कटिंग करके फिलिंग करनी है, और जो कि एक पहाड़ी एरिया में नहीं है, एक प्लेन एरिया में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल यूज़ किया है। तो आपको भी सिंपल ही पर्पस ऑफ कटिंग ध्यान में रख के ही नक्शा बनाना है, और पर्पस ऑफ कटिंग ध्यान में रख के ही आपको सिंपली एस्टिमेट क्रिएट करना है, और आपको वहाँ पे सिंपली इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो इजीली मिल सके और सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।